एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडो कैनेडियन देसी। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप आईलेट्स नहीं देना चाहते हैं या फिर आप टॉफल नहीं देना चाहते हैं तो इसके अलावा ऐसी क्या ऑप्शन, ऐसा कौन सा एग्जाम है जो कि आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी प्रूव कर सकता है। ड्यूरिंग कोविड काफी दिक्कत हो रही थी क्योंकि टेस्ट सेंटर्स भी बंद थे, लोग फिजिकली जाके टेस्ट नहीं दे पा रहे थे, तो इस दौरान लोगों ने काफी और ऑप्शंस भी ढूंढनी शुरू करी। एंड उसी टाइम पे एक टेस्ट जो काफी फेमस हुआ वो है ड्यूलिंगो। ये टेस्ट यूज किया जा सकता है काफी यूनिवर्सिटीज में, नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में, डिपेंडिंग ऑन कहां पे एक्सेप्ट होता है ये। चलिए बात करते हैं इस टेस्ट के बारे में और समझते हैं कि आईलेट्स और ड्यूलिंगो के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। पहले समझते हैं कॉस्ट। आईलेट्स का जैसे आप जानते हैं कनाडा में $310 उसकी एग्जाम फी है। उसके कंपैरिजन में जो ड्यूलिंगो है इसका वर्ल्ड वाइड एक ही प्राइस है, वो है $49। उसके बाद टेस्ट लेने की जो आसानी की बात करें, आईलेट्स में आपको टेस्ट सेंटर लोकेट करने पड़ते हैं, फिर आपको अवेलेबिलिटी चेक करनी पड़ती है, उस हिसाब से आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। एंड उसके कंपैरिजन में ड्यूलिंगो में आप जहां आपने रजिस्टर करा उसके बाद एग्जाम फी पे करते ही आप एलिजिबल हो जाते हैं अपॉइंटमेंट लेने के लिए एंड टेस्ट देने के लिए। और रिजल्ट जो है ड्यूलिंगो के वो विद इन 48 आवर्स आपके पास होते हैं। टू ऐड, ड्यूलिंगो का टेस्ट देने के लिए आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता है, आप अपने घर में बैठ के अपने पर्सनल कंप्यूटर पे ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद अगर टेस्ट ड्यूरेशन की बात करें, आईलेट्स होता है 1.5 आवर्स जो ड्यूरेशन होती है टेस्ट की, एंड जो ड्यूलिंगो है इसकी ड्यूरेशन खाली 1 आवर होती है। अब बाकी तो सिमिलैरिटीज हैं, सेक्शन सेम है, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, ये चारों सेक्शन होते हैं। आईलेट्स में ये सब सेक्शन सेपरेटली आपसे पूछे जाते हैं। उसके कंपैरिजन में जो ड्यूलिंगो है यहाँ पे अलग अलग सेक्शन नहीं पूछा जाता आपसे, एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं एंड परफॉर्मेंस बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अगर एक क्वेश्चन का आंसर सही दिया तो उसके बाद वाला जो क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा उससे मुश्किल आएगा। अगर आपने कोई क्वेश्चन का आंसर गलत दिया तो उसके बाद जो क्वेश्चन अपीयर होगा स्क्रीन पे वो उसके मुकाबले थोड़ा इजी होगा। ड्यूलिंगो की जो स्कोर रेंज होती है वो होती है फ्रॉम 10 to 160। अब स्क्रीन पे मैं आपको आईलेट्स और ड्यूलिंगो की जो स्कोर के इक्विवेलेंट्स हैं वो मैं आपको सामने दिखा दूंगा। मोस्टली जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो ड्यूलिंगो में 115 मिनिमम स्कोर की डिमांड करते हैं, और जैसे मैंने स्टार्ट में बताया हर इंस्टीट्यूशन ड्यूलिंगो एक्सेप्ट नहीं करता है। तो मैं नीचे लिंक प्रोवाइड करूंगा डिस्क्रिप्शन में ड्यूलिंगो की वेबसाइट का, जहां पे आप जाके इंस्टीट्यूशंस चेकआउट कर सकते हैं जो कि ड्यूलिंगो टेस्ट सर्टिफिकेट एक्सेप्ट करते हैं। अब अगर बात करें स्टूडेंट परमिट की, वेदर ड्यूलिंगो टेस्ट इज एलिजिबल फॉर दैट और नॉट, अभी स्क्रीन पे मैं आपके साथ शेयर करूंगा ड्यूलिंगो वेबसाइट की एक स्क्रीनशॉट, जिसके मुताबिक अगर आप स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम में स्टडी परमिट अप्लाई कर रहे हैं तो ड्यूलिंगो एलिजिबल नहीं होगा, बिकॉज दे डू नॉट एक्सेप्ट एनी ऑनलाइन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो इसके लिए आपको आईलेट्स से ही अप्लाई करना पड़ेगा। इसके अलावा जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए ड्यूलिंगो टेस्ट के बारे में, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा। अपनी पूरी रिसर्च करिएगा ये जो ड्यूलिंगो टेस्ट है या आपके केस में अप्लाई करेगा और ये आपको हेल्प करेगा या फिर नहीं। अगर वीडियो पसंद आता है लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, एंड अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स के काम आ सकता है शेयर भी जरूर करिएगा। सो इस वीडियो को आज यही खत्म करते हैं। दैट्स इट फॉर नाउ, आई विल बी बैक लेटर विद अनदर वीडियो। फॉर नाउ साइनिंग आउट, इंडो कैनेडियन देसी।